हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू वन मोर एक्साइटिंग व्लॉग ऑफ ट्रेवलीशियस सोल सो गाइस टाइम बता देता हूँ पहले अभी बज चुके हैं आ, पाँच शाम के और मैं अभी जिस जगह पे हूँ ये रास्ता आप जो देख रहे हो ये जाता है टाटा पानी शिमला से जब आप आ रहे हो टाटा पानी की तरफ तो ये वाला आपको वे फॉलो करना पड़ता है सिंगल लेन रास्ता है मैंने स्कूटी रेंट पे ली है स्कूटी की जो एक्चुअल कॉस्ट थी वो आठ सौ रुपये थी बट उन्होंने मेरे को थोड़ा डिस्काउंट दे के छः सौ में कर दी है ठीक है अब इसके बाद रास्ता देखो भाई अब कैसा रास्ता है अगर मैं इस साइड दिखाऊंगा ना पीछे देखो आप रास्ता हो हो कि कहाँ से आ रहा है आपको वो दिख रहा है देखो आगे पहाड़ों की तरफ तो शिमला से जो टाटा पानी का आ, पूरा लाइक जो आ, टाइम लगता है डाट इज़ अप्रोक्सीमेटली लाइक आपको बहुत ईजली सवा दो घंटे लग जाएंगे एंड किलोमीटर्स में अगर मैं बात करता हूँ तो इट इज़ अबाउट लाइक आपके थर्टी फाइव टू फोर्टी किलोमीटर्स का रास्ता है और रास्ता आपको बहुत ही स्टीप सा मिलेगा बहुत ही नैरो सा मिलेगा ये देख सकते हो आप कैसा रास्ता है अभी साइड से एक ट्रक भी आ रहा है दिखाई नहीं दे रहा मेरे को सिर्फ आवाज़ आई है ट्रक की ब्रेक की तो अगर एक ट्रक निकल रहा है तो एक सिंगल ट्रक ही निकल पाएगा उसके साथ अगर आप चाहो कि कार निकल जाए आ, या दो ट्रक एक साथ क्रॉस कर जाए तो दैट थिंग इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल गाइज एंड बहुत दूर दूर से लोग आते हैं बहुत फेमस है टाटा पानी है क्या मैं आपको वो दिखाता हूँ उसके लिए बहुत ज़्यादा नीचे जाना पड़ेगा अभी देखो ट्रक आ रहा है साइड से और जो कार थी वो साइड में ही रुक गई थी गाइज एक्चुअली बस है इट्स नॉट अ ट्रक सुखाई uh, so uh, मैंने वीडियो पॉज कर लिया था वो देख रहे हो आप बस जा रही थी और इतनी तक जगह नहीं थी कि मेरे को थोड़ा साइड होना पड़ा और आप देखोगे ना यहाँ नीचे सीधी खाई है और वो जो आपको पानी दिख रहा है जो पानी आता हुआ दिख रहा है तो दैट इज़ टाटा पानी आ, इसको हम हॉट स्प्रिंग भी बोलते हैं ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पे किस कोई ऋषि थे ऋषि मुनि थे उन्होंने तपस्या की थी तो यहाँ का जो पानी है ना वो ऑटोमेटिक बारह के बारह महीने गर्म आता है और गरम भी ऐसा नहीं है कि एक होता है गुनगुना पानी जिसको हम बोलते हैं बट ये बहुत एक्सेस वाला गरम होता है जो यहाँ का पानी होता है एंड वन मोर थिंग मैं आपको बता देता हूँ मतलब मेरा ये डिसीजन नीचे जाने का थोड़ा सा गलत है अगर मेरे को अगर आपको कभी भी टाटा पानी जाना है तो एक चीज़ आप ध्यान रख लो कि आप सुबह निकलो शिमला से क्योंकि बहुत लंबा रास्ता है और बहुत सारे पहाड़ क्रॉस करके आने पड़ते हैं आपको आप पीछे देख सकते हो एक बार लाइन से पहाड़ बने हुए कहाँ से कहाँ रास्ता होके आ रहा है एंड वन मोर थिंग कि ये जो जंगल है रात में ट्रैवल करने के लिए सेफ़ नहीं है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स घूमते रहते हैं अभी पीछे एक शॉप थी वहाँ पे मैंने रुक के पानी की बोतल ली थी तो ही टोल्ड मी कि आप कहाँ जा रहे हो तो ऐसे मेरी उनसे बात होने लग गई और मैं पहली चीज़ दिखा चुका हूँ आपको रेंटेड स्कूटी पे हूँ सेल्फ़ डिवेंस स्कूटी है तो उन्होंने बोला कि सर अभी इस टाइम आप जाओगे फिर आपको व्लॉग भी शूट करोगे तो बहुत ज़्यादा आपके लिए टाइम टेकिंग हो जाएगा वापस आते आते वहाँ से आप निकलोगे क्योंकि अभी मेरे को और लाइक फ़िफ्टीन किलोमीटर्स नीचे जाना है मतलब मेरे को उस पॉइंट पर भी आप गाइज देख सकते हो वहाँ पर जाना पड़ेगा ठीक है जो पानी जहाँ से दिख रहा है आपको आते हुए बीच में स्टीप तो उस पॉइंट पे मेरे को जाने के लिए 15 किलोमीटर अभी नीचे पूरा उतरना है तो 15 किलोमीटर्स पहाड़ों का ना जो नॉर्मल लैंड होता है सिटी होती है वहाँ का आप ये मान लो कि मेरे को आ, कुछ नहीं तो फ़ाइव टाइम्स नीचे उतरना है तो अगर जैसे हम सिटी में किसी भी सिटी में ट्रैवल कर रहे हैं तो उसमें जितना टाइम लगता है उसका फ़ाइव टाइम्स ज़्यादा टाइम यहाँ लगता है क्योंकि यहाँ पे कर्व्स होते हैं तो आप ऐसा नहीं है कि 60, 70 की स्पीड मेंटेन करके चला सकते हो और नैरो रास्ता है तो गाइज़ कुछ भी कर लोगे आप 30 से ऊपर गाड़ी नहीं चला सकते हो ये तो फॉर श्योर sure है ठीक है तो वो जो डिस्टेंस होता है कम टाइम टेकिंग ज़्यादा हो जाता है वो तो गैस यही है अभी स्टिल मैं ट्राई कर रहा हूँ नीचे जाने का नीचे चले जाता हूँ मे बी शायद मैं स्टे वहीं करूँ किसी होटल में क्योंकि वापस ऊपर आना तो इस बेवकूफ़ी सात आठ नौ बच सकते हैं एंड फिर वही चीज़ है कि जंगल है रास्ता खराब है अकेला हूँ कुछ भी हो सकता है टायर पंचर हो सकता है पेट्रोल तो मैंने अभी रिफ़िल करवाया है रिफिल करवाया है पेट्रोल तो पेट्रोल तो बहुत ज़्यादा एक्सेस में है मेरे पास इनफैक्ट मैं वापस करूँगा तो शायद काफ़ी बच भी जाए तो आ, समझ नहीं आ रहा है अभी माइंड मेकअप कर नहीं पा रहा हूँ आप लोग को दिखाना भी है सो so, गैज ये जो आप देख रहे हो आ, इसी को टाटा पानी बोलते हैं इसको एक बार मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ तो ये है टाटा पानी पहाड़ों के बीच बीच में से एकदम होके आता है और हॉट स्प्रिंग भी बोलते हैं इसको क्योंकि पानी नेचुरली गर्म है यहाँ का ऐसा कुछ नहीं है कि गर्म किया जाता है और गर्म बहुत ज़्यादा गर्म है जूम आउट करता हूँ आपको एक बार अच्छा व्यू आएगा और तो ये ऐसा कुछ पहाड़ है यहाँ पे और ये बहुत सारे पहाड़ों के बीच में से होके आता है पहाड़ आप देख सकते हो ठीक है और ये जो पहाड़ है तो वाइल्ड एनिमल्स ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पर होते हैं बट यूजली uh, वो रात के टाइम पे निकलते हैं दिन के टाइम पे नहीं निकलते हैं बट इट्स नॉट सेफ़ कि आप यहाँ पे खड़े हो ज़्यादा देर तक तो मैं भी ये जो व्लॉग शूट कर रहा हूँ पाँच मिनट का कर रहा हूँ दस मिनट का कर रहा हूँ एंड मेरी निगाहें इधर उधर बार बार घूम रही है क्योंकि मैं देख रहा हूँ कुछ दिखे ना प्लस जिस रास्ते से मैं आया हूँ आप एक बार वो रास्ता देखो ठीक है कि वो रास्ता कैसा है ये आप देख सकते हो कैसे पहाड़ियों से कट कट के रास्ता बना हुआ है यहाँ आपको दिखेगा देखो ट्रक जा रहा है तो बहुत ही पतली सी जगह है बहुत ही स्टीप सी जगह है एक बार में एक ट्रक ही निकल सकता है थोड़ी थोड़े डिस्टेंस में मतलब बनाया गया है ऐसा कि दो गाड़ी निकल सके तो उसके लिए एक गाड़ी को दूर से पहले रुकना पड़ेगा तभी मतलब ये पॉसिबल हो सकता है कि दूसरी गाड़ी निकल सके तो ऐसे रास्ते कट कट के बने हैं प्लस ये ऐसे इस पहाड़ के पीछे से गोल घूम के फिर नेक्स्ट पहाड़ में कनेक्ट होता है शिमला अगर मैं आपको फैक्ट बताऊं तो शिमला बहुत दूर है यहाँ से शिमला का जो पहाड़ है वो तक नहीं नज़र आएगा और जो पानी की आवाज़ है ना आप लोग को नहीं सुनाई देगी शायद लेकिन ये जो पानी की आप जो देख रहे हो ना मेरे को यहाँ तक इसकी आवाज़ सुनाई दे रही है इसका फ्लो मतलब इतना ज़्यादा तेज है पानी का कि यहाँ तक पानी की आवाज़ सुनाई दे रही है और बहुत सनी डे है इस साइड धूप निकली हुई है इस साइड अगर आप देखोगे तो क्लाउड है जो वहाँ पे हिल है देखो उसको कैसे क्लाउड ने रैप किया हुआ है तो हिल स्टेशन का वेदर गाइज आप लोग को बता चुका हूँ मैं ऑलरेडी कि ऐसा ही होता है सो so, अब देखते हैं कि आगे के क्या प्लान्स हैं एंड आगे क्या करना है गाइज़ वेलकम बैक गाइस सो मैं थोड़ा और आगे आ चुका हूँ जिस पॉइंट से मैंने लास्ट अपना वीडियो शूट किया था मैं थोड़ा और आगे आ गया आप लोग को एक थोड़ा और अच्छा व्यू देने के लिए और व्यू देखो गाइज़ टाटा पानी कितना क्लियर दिखाई दे रहा है यहाँ से मेरे पीछे आप देख सकते होगे तो आ, वो जो मैंने बैक साइड में अभी आप लोग को दिखाया था जो हिल्स के बीच में से हिल्स को काटते हुए जो झरना आ रहा था इसमें आके वो कनेक्ट होता है और ये काफ़ी वाइड लाइक नदी टाइप है नदी तो नहीं बोलेंगे इसको तो ऐसा कुछ है यहाँ से और नीचे आप जाओगे तो आपको दिखेगा बहुत सारे वहाँ पे होटल्स बने हुए हैं आप देख सकते हो बहुत सारे होटल्स बने हुए हैं वहाँ पे लोग स्टे भी करते हैं और काफ़ी बड़ी जगह है ये काफ़ी बड़ी सिटी है ऐसा नहीं है कि बहुत छोटी सी सिटी है गाइज़ ये तो एक बार इसका पूरा का पूरा व्यू लो गाइज़ और इसके साथ साथ जिस रास्ते पे मैं अभी हूँ और ये जो रास्ता नीचे जा रहा है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि रास्ता कहाँ जाता है और कैसे जाता है गाइज़ तो यहाँ से वैसे तो ज़्यादा नहीं है आधे घंटे का और रास्ता है बट जो व्यू यहाँ से आएगा ना आपको वो नीचे से गाइज़ नहीं आएगा नीचे से क्योंकि फ्लैट है पूरा वहाँ पे क्योंकि नीचे उतर के है, पहाड़ पे नहीं है शिमला से आप ऊपर चढ़ोगे पहाड़ों से फिर बीच में से पहाड़ों से आप नीचे उतरोगे तो ये नीचे के लैंड में है तो इसलिए नीचे से वैसा व्यू नहीं आएगा जो यहाँ से आएगा गैस ठीक है तो ये भी एक पॉइंट बना हुआ है तो मैं आप लोग को एक बार बढ़िया सा शॉट देता हूँ और आप पूरी प्रोफाइल देखो टाटा पानी की गैस सु गैस मैं इस रास्ते पे हूँ अभी और ये रास्ता आपको दिखाता हूँ ये रास्ता यहाँ से आगे जा जाके जा जाके जाके उसके बाद ये नीचे ये देखोगे ना आप ये देखो ये क्योंकि नीचे उतरना है पूरा मेरे को तो ये यहाँ पे नीचे जाएगा रास्ता ठीक है और उसके बाद आगे होते 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 वो जो आपको रास्ता दिख रहा है उस रास्ते में मिल जाएगा उसके बाद यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ देखोगे ये है ताँ पानी ठीक है गाइस और उसके आस आप देखोगे इतने सारे होटल बने हुए हैं मैं थोड़ा सा ऊपर चढ़ा हुआ था तो मैं नीचे उतर जाता हूँ क्योंकि सेफ़ नहीं है तो ये है ताँ पानी और इसके लाइक आप साथ में देखोगे आ, कितने सारे होटल्स बने हुए हैं यहाँ पे आ, बहुत सारे होटल्स हैं और काफ़ी काफ़ी बड़ा बड़े एरिया में है ये ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत छोटे से एरिया में है रास्ता इसका आप देखो एक बार आपको रास्ता ध्यान से दिखाता हूँ ये देख रहे हो आप जो रोड बनी हुई है स्टीप सी देखो तो यही जिस रोड पर मैं खड़ा हूँ यही उतरती है नीचे गोल गोल घूम के और देखो कहाँ से आ रही है तो इतना लंबा और डिस्टेंस है नीचे जाने के लिए और ये जो बना हुआ है ना आप देखो एक बार नीचे एक बार प्लेन लैंड में बना हुआ है बाकी मैं और जूम करके दिखाता हूँ आप एक बार और अच्छा व्यू लो तो ये यहाँ के कुछ होटल्स हैं होटल्स बने हुए हैं यहाँ पे प्रॉपर टूरिस्ट प्लेस है यहाँ पे आप स्टे कर सकते हो उसके बाद आप और अगर आगे देखोगे तो आगे भी आपको और होटल्स दिखाई देंगे ये यह देखो यहाँ पर घर भी बने हुए हैं लोगों के होटल्स भी है यहाँ तक भी वो जाता है टाटा पानी और एक बार आप इसका वाइड व्यू देखो तो ये पहाड़ों से पूरा सराउंडेड है इस साइड भी पूरे पहाड़ हैं पूरा पहाड़ों में उस साइड क्लाउड है और इस साइड भी आप देखोगे ना तो पहाड़ है तो ये चारों तरफ से पहाड़ों से सराउंडेड है इस साइड भी पहाड़ है और ये जिस रास्ते में हूँ मैं अभी गाइस इस रास्ते को नीचे तक जाने के लिए अभी आधा घंटा और लगेगा तो ये पूरी प्रोफाइल है टाटा पानी की बस एक चीज़ है गाइस कि आप लोग कभी भी जाओ तो सुबह के टाइम निकलो 10-11 बजे सो so दैट आप अच्छे से घूम के आ सको ऐसा ना हो कि वही हो जाए कि आप पाँच बजे जा रहे हो और जिस रास्ते से आप जा रहे हो तो वो रास्ता वापस लौटते टाइम सेफ़ नहीं है वाइल्ड एनिमल्स होते हैं वहाँ पे वो बहुत सुनसान सा रास्ता है क्योंकि बीच में एक दो गांव पड़ते हैं आ, मशोबरा पड़ता है बालदे पड़ता है आ सबसे मेन चीज़ आपको बताता हूँ मैं गायज पेट्रोल पंप नहीं है ऊपर से आप पूरा नीचे तक आ जाओगे शिमला से तो आपको नीचे ही जाके पेट्रोल पम्प मिलेगा तो फ्यूल अच्छे से भर के लाना इन केस अगर ख़त्म होता है तो बालदया बीच में एक जगह पड़ती है आ, तो बालद्या में आपको पेट्रोल मिल जाएगा बट वो बॉटल्स में देते हैं भर के पेट्रोल ले कर आते हैं और वो ओवर रेटेड बेचते हैं तो सौ रुपये का अगर रेट चल रहा है गाइज़ तो वो आपको वन ट्वेंटी तक का देंगे तो एमरजेंसी के टाइम पे आप ले सकते हो लेकिन मेरे को नहीं पता था तो मैंने भी वहाँ से परचेज़ किया था गाइज तो वैसे तो रिकमेंड मैं ये करूँगा कि आप अपना लाइक फ्यूल भर के लेके आओ उसमें तो ये है प्लस देखो इसका जो रास्ता है बहुत ही स्लीक सा है सो गाइस डाट वाज ऑल फ्रॉम ताता पानी विच इज़ नियर बाय शिमला आई गेस ये व्लॉग आप लोग को अच्छा लगा होगा सो टेक केयर हैव अ नाइस टाइम एंड कैच यू गाइस वेरी सून इन माय नेक्स्ट व्लॉग टिल देन गुड बाय Take care and have a nice time guys. Bye bye.